सोनी लिव, वी लिव टू एंटरटेन। डाउनलोड द ऐप। पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें। सोनी लिव, वी लिव टू एंटरटेन। बिजनेसमैन रोशन के 10 साल की बेटी को लोगों ने किडनैप किया, 10 करोड़ की डिमांड की है। डील कहाँ होने वाली? सुभाष नगर के पीछे वाले सड़क पे, आज रात 12:45। रघु बहुत बार चकमा दे चुका है, इस बार छोड़ेंगे नहीं उसे। अभिजीत, मैंने कुछ नहीं किया, मैं सच कह रहा हूँ। मैंने इस रघु पर हाथ तक नहीं उठाया। अंधेरे में कब उसका सर दीवार से टकराया, कब उसे चोट लगी, मुझे कुछ नहीं मालूम। मुझे तुम पर विश्वास है दया, मैं जानता हूं तुम इतने लापरवाह नहीं हो सकते, लेकिन एसीपी साहब, इन्हें कैसे समझाएं? हम लोग एक साथ इतने समय से काम कर रहे हैं, एसीपी साहब को हमारी बात पे विश्वास क्यों नहीं होता, यकीन क्यों नहीं करते हमारा? उन्हें ये क्यों नहीं लगता कि दया और अभिजीत कभी भी ऐसी गैर जिम्मेदार हरकत नहीं कर सकते हैं? देखो दया, जब एसीपी साहब जज्बाती नहीं हो रहे तो हमें भी जज्बात में नहीं बहना चाहिए। तो दिल से नहीं दिमाग से सोचते हैं, हमें भी दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ेगा। सही कह रहे हो अभिजीत, मगर ये मुमकिन कैसे है? ये रघु अचानक कैसे मर सकता है? नहीं तो कुछ है जो हमसे छूट रहा है अभिजीत। सांगके साहब ने कहा कि उसकी मौत ब्रेन हैमरेज से हुई है। हमें ये पता लगाना चाहिए कि ये ब्रेन हैमरेज की वजह क्या है। एक काम करते हैं, वापस वहीं चलते हैं जहां पे हमने रघु को पकड़ा था। उस रघु को दया हम लोगों ने यहीं पे पकड़ा था। इसका मतलब है हमारे चंगुल में आने से पहले वो यहीं कहीं गिरा होगा और उसे चोट लगी होगी। यही हुआ होगा, क्योंकि इंटरोगेशन रूम में ना तो मैंने उस पर हाथ उठाया ना ही तुमने। जब हमने उसे पकड़ा था तब भी कहीं चोट वोट का निशान दिख नहीं रहता उसके सर पे। ये हैमरेज हुआ तो हुआ कैसे? यही समझ में नहीं आ रहा अभिजीत। जो कुछ भी हुआ है दया, यही कहीं हुआ है। प्लीज क्वाइट, प्लीज बी क्वाइट। मेरा आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग शांति बनाए रखें। प्लीज बी क्वाइट, प्लीज बी क्वाइट। अब एक एक करके सवाल पूछिए, पूछिए। मिस्टर श्रीधर, आप न्यूज 365 के मुख्य संपादक हैं। पहले तो आप ये बताइए कि आपने अचानक ये प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों बुलाया? बहुत ही खास वजह है। हमारे न्यूज चैनल न्यूज 365 के पास ये पक्की खबर है कि टीआरपी रेटिंग के साथ दूसरे चैनल खिलवाड़ कर रहे हैं। हम आपके कहने का मतलब कुछ समझे नहीं। आप किसकी ओर इशारा कर रहे हैं? जो लोग गलत काम कर रहे हैं उनकी ओर।
हमारी सूचना के मुताबिक एक नामचीन न्यूज चैनल के दो कर्मचारी जो झूठी और सनसनीखेज खबर बना के अपने न्यूज चैनल पे प्रसारित करते हैं, आप बताएंगे क्या ये सच है? जी हाँ, ये बिल्कुल सच है। ये दोनों शख्स शहर के गुनहगारों से मिलकर झूठे गुनाह का संचालन करते हैं। इस तरह के झूठे गुनाह जैसे कि बैंक में डकैती, घर में चोरी, यहाँ तक कि मासूमों को अगवा किया जाता है। फिर ये दोनों जालसाज पूरे वारदात को रिकॉर्ड करते हैं और उसी रिकॉर्डिंग को अपने न्यूज चैनल में ब्रेकिंग न्यूज बनाकर पेश करते हैं। यमित मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहा? यमित और अभिलाष पकड़े तो नहीं गए? सही कहा तुमने। सीआईडी, तुम लोग बिना परमिशन के अंदर कैसे आ गए? सॉरी। नॉक नॉक, एक्सक्यूज मी, क्या हम लोग अंदर आ सकते हैं? ये शराफत शरीफों के घर के लिए ठीक है, तुम जैसे मक्कार फरेबी के अड्डे के लिए नहीं, समझे? पच्ची कहाँ है? तेरे पास नहीं। अच्छा, अच्छे तरीके से घर चेक करो, देखो कहाँ है बच्ची। अभी तो रात हुई थी, इतनी जल्दी सुबह भी हो गई। आजकल नींद ही पूरी नहीं होती। राजीव उठो, सुबह हो गई। राजीव उठो, नहीं तो ऑफिस जाने में देर होगी। राजीव मैं नहाने जा रही हूँ। क्या है, सुन ही नहीं रहे हो? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? राजीव तुम्हें तो बुखार हो रहा है। राजीव को कुछ हो गया ना तो मैं, प्लीज शुभ शुभ बोलो किसी, मैं देखता हूँ। तो ठीक चल रही है। अलीशा क्या हुआ? डॉक्टर फोन नहीं उठा रहे। वो फोन नहीं उठा रहे? ओह माय गॉड, एक काम करो, पानी पानी लेकर आओ जल्दी। भैया राजीव, भैया राजीव क्या हो गया था तुम्हें? आराम से, आप ठीक तो हैं? मुझे क्या हुआ है? ये हाथ पर ये सब कैसे? निशा, ये इतना सारा खून और इतनी सारी खरोचे मेरे शरीर पर कैसे आ गई? तुम नहीं जानते, तुम्हें नहीं पता ये कैसे हुआ, ये हो कैसे सकता है? मुझे बिल्कुल भी नहीं पता ये सब कैसे हो गया। अभी जब मैं उठी तो तुम्हें मैंने इस हाल में पाया। कमाल है, कल रात को आपके कमरे में कोई आता है और आपको पता भी नहीं चलता। ये कैसे हो सकता है कि हमारे कमरे में कोई आया हो और मुझे ना पता चले? मेरी तो नींद भी बहुत हल्की है। नहीं भाभी, कोई ना कोई तो यहाँ पर आया ही होगा ना, वरना ये सब कुछ अपने आप कैसे हो सकता है? यहाँ हो क्या रहा है, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे तो लगता है कि भैया की जान को खतरा है। मगर मेरी जान को किससे खतरा हो सकता है? अब ये तो सीआईडी पता करेगी। तो कल रात नींद में आप पे किसी ने हमला किया और ना ही आपको पता चला और ना ही आपकी वाइफ निशा जी को? जी सर। लेकिन ये हो कैसे सकता है, नींद में ही सही, अगर आदमी पे हमला हो तो उसे पता जरूर चलता है। मिस्टर राजीव आप सही कह रहे हैं, पता तो चलेगा, लेकिन सर राजीव जी आप सोने के लिए क्या नींद की गोलियां लेते हैं? नहीं सर, कभी भी नहीं। तब भी जब आप पे हमला हुआ, यहाँ तक कि आपके हाथों पे इतनी चोट लगी, आपका गला दबाया गया, फिर भी दर्द या घुटन के मारे आपकी चीख तक नहीं निकली, आपको कुछ पता नहीं चला, ना ही निशा जी आपको। हम लोग भी इस बात से उतने ही हैरान हैं जितने कि आप लोग, लेकिन यकीन मानिए सर, ऐसा ही हुआ है। निशा जी आप ये कहना चाहती हैं कि ना ही आपने कुछ सुना और ना ही आपने कुछ देखा? देखिए अगर कोई आवाज हुई होती तो मैं जरूर उठ जाती, क्योंकि हल्की सी आहट से भी मेरी नींद खुल जाती, लेकिन कोई आवाज हुई नहीं। अच्छा मिस्टर राजीव, आपको किसी पे शक है? कौन कर सकता है ऐसा? सर मेरी किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं है। अगर आपकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है तो फिर ये सब कैसे हो?
सर, अगर आप बार बार मुझसे एक ही सवाल पूछेंगे तो मेरा एक ही जवाब होगा, ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, किसने किया, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे कुछ भी नहीं पता सर। भाई प्लीज संभालिए प्लीज। कमरे में घुसने के दो रास्ते हैं, खिड़की से या फिर दरवाजे से। खिड़कियां तो अंदर से बंद थी और दरवाजा खुला हुआ था। पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें। सोनी लिव, वी लिव टू एंटरटेन।